नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को इंसाफ मिलेगा, इंसाफ का इंतजार उनके चाहने वाले भी देश भर में कर रहे हैं। सीबीआई ने जांच संभाल ली है। सीबीआई ने सुशांत केस की जांच में पूछताछ भी शुरू कर दी है। घरेलू स्टाफ खास तौर पर नीरज पूरे घटनाक्रम का चश्मदीद था। उस दिन 14 जून को वो उस वक्त फ्लैट में ही मौजूद था जब लॉक तोड़कर सुशांत के कमरे का दरवाजा खोला गया। कमरे के अंदर कथित तौर पर पंखे से लटका सुशांत का शव मिला। ये रिपोर्ट। हमें लगा सर सो रहे होंगे, थोड़ा सा थके से उनको अपने को ऐसा महसूस करे जैसे थके, तो थोड़ा उस टाइम उनकी तबीयत सही सी नहीं थी। सर को दो बार उन्होंने कॉल किया तो बेल बज रहा था, रिप्लाई नहीं आया कोई। अच्छा, मैं तो देखा तो सर पंखे में बिल्कुल फांस लगा के लटके, तो सिद्धार्थ ने नीचे उतारा। नीरज एक्टर सुशांत सिंह का हाउसकीपर और कुक। सीबीआई ने इसी शख्स से पूछताछ कर सुशांत केस की जांच शुरू की है। सूत्रों के मुताबिक नीरज से 14 जून के पूरे घटनाक्रम से लेकर इससे पहले सुशांत के इर्द गिर्द की तमाम गतिविधियों को लेकर सवाल किए। नीरज के बयान को सीआरपी की धारा 161 के तहत दर्ज किया गया है। किरदारों से जो उस वक्त घर में मौजूद थे, चाहे सिद्धार्थ पिठानी हो, चाहे नीरज कुक हो, चाबी वाला हो जिसको बुलाया गया था जैसा सिद्धार्थ पिठानी दावा किया, उन पर ज्यादा फोकस रहेगा। और शायद यही वजह है कि शुरुआत सीबीआई की टीम ने कर दी है गेस्ट हाउस में, जो नीरज कुक है उससे पूछताछ करेगी। नीरज से मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस भी पूछताछ कर चुकी है। आज तक के पास वो एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसमें बिहार पुलिस के अधिकारी सुशांत के घर होने वाली पार्टियों को लेकर नीरज से पूछताछ करते नजर आ रहे हैं। वो पार्टी चलती रहती था, कभी कभार अपना भी करते थे, पर हमें इतना खर्चे के बारे में तो हमें इतना पता नहीं कि कौन करता था, पर सर के घर में हो रहे तो सर का ही आइडिया लगा लो। सर का ही कार्ड किसके पास था? सर कार्ड कभी एरिया मैनेजर के पास रहता था और कभी वो हाउस मैनेजर उनके पास रहता था। कभी लड़ाई झगड़ा अभी तक कोई ऐसी गाड़ी गलो अभी तक कभी घटना ही गई तो उसके बाद कितना सुशांत केस की गुत्थी सुलझाने में नीरज अहम है। नीरज वो शख्स है जो उस दिन सुशांत के फ्लैट में मौजूद था, बल्कि सुबह से लेकर सुशांत के कमरे का दरवाजा खुलने तक हर अहम घटनाक्रम का गवाह भी था। 14 जून को फ्लैट में क्या हुआ था, इस बारे में नीरज से सुबह से लेकर दोपहर तक की हर गतिविधि के बारे में विस्तार से पूछताछ की गई। 10 बजे के आसपास जो है ब्रेकफास्ट के लिए जो है खाना बनाने वाले सब वो पूछने के लिए चले गए, तो सर ने बोला मैं थोड़ा नहीं नारियल का जूस लूँगा, नारियल पानी पानी लूँगा और थोड़ा ऑरेंज जो भी जैसा रहेगा वो मुझे जूस दे दो। या उन्होंने जूस लिया हाथ में और नारियल पानी लिया, बोला मैं केले बाद में लूँगा, बस ये लेके वो अंदर चले गए। वो जाने के बाद उन्होंने लॉक कर दिया। हालांकि सुशांत के पिता के वकील जूस वाली बात पर सवाल उठा रहे हैं। जो ये पिठानी और जो वहाँ पे थे उन लोगों ने ये कहा कि उन्होंने मॉर्निंग में जूस पिया था और इसका क्या कहते हैं नारियल पानी पिया था। अब उसके पीने के तुरंत बाद उन्होंने फांसी ले ली उनके हिसाब से, तो पेट में तो होना चाहिए था ना, उसका तो रॉ होना चाहिए था, तो इसलिए क्या रिपोर्ट में आया है नहीं आया कुछ उन्होंने रिपोर्ट में नहीं लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं बैकअप पेपर में कुछ हो उसके बारे में। नीरज के मुताबिक जूस और नारियल पानी लेकर सुशांत ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था, क्योंकि कुछ देर बाद जब नौकर सुशांत से ये पूछने लगा कि लंच में क्या लेंगे तो उनका दरवाजा बंद था और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नीरज के मुताबिक इसके बाद हर 15 से 20 मिनट में घर में मौजूद अलग अलग लोग दरवाजे को नॉक करते रहे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। सुशांत के फोन को भी रिंग किया गया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जैसे खटखटाया तो कोई रिप्लाई नहीं आया, तो फिर जो सिद्धार्थ ने उनके पास सर का नंबर है हमारे पास नहीं उन्हीं के पास, तो सर को दो बार उन्होंने कॉल किया तो बेल बज रहा था, रिप्लाई नहीं आया कोई।
तो रिप्लाई नहीं आया, तो फिर सबने एक एक बार ट्राई करा, तो ट्राई करने के बाद फिर हमने सोचा चाबी ढूंढ लेते हैं, सो ही रहे होंगे तो कोई बात नहीं, खोल के हल्का सा देख भी लेंगे, कोई बात नहीं, क्या बात है क्या बात नहीं है, कभी बाथरूम में फंस गए तो कभी लॉक तो नहीं लग गया कुछ दिमाग में हमें, पर हमारे दिमाग में ये सिचुएशन नहीं चल रहा था कि कुछ सर गलत काम कर सकते हैं। आखिरकार सिद्धार्थ पिठानी ने एक चाबी वाले को बुलाया और दरवाजे का लॉक तोड़ डाला। इसके बाद सबसे पहले सिद्धार्थ कमरे के अंदर गया, फिर क्या हुआ नीरज की जुबानी सुनिए। सिद्धार्थ ने नीचे उतारा तो हमने पेट वेट दबाया, छाती दबाई, इसी में हमें लगा कि कुछ थोड़ा बहुत अगर सांस वांस रहेगी तो हो जाएगा, कुछ ले जाएंगे, पर काफी टाइम हो चुका था, घंटे भर उन्हें हो चुका था, बॉडी वॉडी बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। सीबीआई जांच में नीरज अहम कड़ी हो सकता है, लेकिन अहम सवाल ये है कि नीरज ने सीबीआई के सामने भी वही बोला जो अब तक बोलता रहा, क्या सीबीआई इससे कोई नई जानकारी निकाल पाई? श्रुति बरजात्या और मुनीश पांडे के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। जिस नीरज की एक्सक्लूसिव बातचीत आपने आज तक पर सुनी है, उस कुक से लगातार पिछले 3 घंटे से सीबीआई की पूछताछ चल रही है, हर जानकारी लेने की कोशिश है कि आखिर किन परिस्थितियों में क्या कुछ हुआ था। देखिए यहां पर वो तमाम बातें बता रहे हैं, लेकिन बारीकी से जब जांच होती है और हत्या से लेकर आत्महत्या हर मोर्चे पर जांच को सीबीआई आगे ले जा रही है, तो तरह तरह के सवाल होते हैं। आपको बता दें कमरे में मौजूदगी के बारे में ही नीरज से सवाल जवाब किए जा रहे हैं, 3 घंटे से लगभग ये पूछताछ चल रही है कुक नीरज से, ये लंबी पूछताछ जारी है जिसमें सब कुछ जानने की कोशिश है। 13 जून 14 जून क्या कुछ हुआ था इन दो तारीखों को, 8 जून के बाद रिया ने वो घर छोड़ दिया। अब घर का जो स्टाफ होता है वो एक एक चीज घर के बारे में जानता है, हर आने जाने वाले पर, या फिर कौन क्या कह रहा है, किस क्या आपस में अनबन थी, क्या तबीयत में कोई दिक्कत थी, तमाम बातें, कौन सी दवाई दी जा रही थी, कौन दे रहा था, एक एक चीज, कई सारे बिंदुओं पर सवाल जवाब हो सकता है इस मामले में, और इसीलिए 13 जून के बारे में सीबीआई ने कई सवाल पूछे हैं, इस तरह की जानकारी आ रही है। कई सारी थ्योरीज इस पूरे मामले में आई है याद रखिए, और इसीलिए 13 जून भी 14 जून की ही तरह महत्वपूर्ण हो गया है कि आखिर 13 जून को सुशांत से कौन कौन मिला था, क्या कुछ हुआ था। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, शम्स लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शम्स, नीरज से पूछताछ अभी भी हो रही है 3 घंटे से, डीवीआर कब्जे में ले लिया गया है। नीरज जी मैं आपके पास भी इसके बाद फौरन आऊंगी। शम्स, नीरज से पूछताछ बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो जो दावे रिया चक्रवर्ती करती रही हैं उन सब के बारे में काफी तस्वीर साफ होगी, क्योंकि घर का स्टाफ तो 24 घंटे आपको देखता है जब जब आप घर में। देखिए नीरज, केशव, सिद्धार्थ और दीपेश ये वो लोग हैं जो 4 सुशांत के साथ लगातार रह रहे थे, और ये सबसे ज्यादा वो चीजें बता सकते हैं जो अभी तक सामने नहीं आई, इसलिए बहुत अहम है। दूसरा मैं आपको बताऊं जना कि इस वक्त मैं ठीक जो पीछे आप देख रहे हैं यही वो सुशांत का घर है जहां पे नीरज 13 और 14 जून की जो पूछताछ हो रही है वो सारी बातें बता रहे हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये सिर्फ बात 13 और 14 जून की नहीं है बल्कि 8 जून से कहानी शुरू होती है, क्योंकि 8 जून को ही वहां से रिया जाती है और 8 जून को झगड़ा होता है। इस झगड़े के गवाह भी हैं ये लोग, क्योंकि नीरज ने अपने बयान में आपने देखा होगा जो आज तक पे इससे पहले भी कहा, ये कहा कि सुबह रिया ने कहा था कि 2 सूटकेस तैयार करो, हमारे सारे कपड़े उसमें रखो, मुझे जाना है। तो 8 जून से लेकर 14 जून के दरमियान क्या हुआ ये न सिर्फ नीरज बल्कि इसके बाद बारी आएगी, मैं इसलिए इससे पहले भी कहा था कि सबसे अहम है इसमें ये 4 कैरेक्टर जो घर में मौजूद थे, और इन चारों के बयान इस पूरे केस को, सुशांत की मौत के सच को सामने लाने में मेरे नजर में सबसे अहम है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने सुशांत को आखिरी बार जिंदा भी देखा और सबसे पहले आखिरी बार मुर्दा भी देखा, तो इसलिए इनके बयान सबसे अहम है। इसके अलावा 5वां ताला वाला, 6ठा जो सुशांत की बहन है मीतू जब वो घर पहुंची, ये 6 लोगों की गवाही, क्योंकि इसके अलावा सीबीआई के पास अगर हम देखें तो सिर्फ वो दस्तावेज और सबूत हैं जो मुंबई पुलिस ने मुहैया कराए, चाहे वो तस्वीरें हों, चाहे वो वीडियो हों, चाहे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, चाहे वो फॉरेंसिक एविडेंस हो, उनको आप सिर्फ स्टडी करके उस पर अपनी राय कायम कर सकते हैं। लेकिन इन 4 चश्मदीदों के बयान मुंबई पुलिस ने बेशक दर्ज किए हों, सीबीआई अपनी तरफ से इनसे हर एक को ग्रिल करेगी, पूछेगी, और बहुत मुमकिन है कि इन चारों को बाद में एक साथ बिठाकर भी पूछा जाए, जो कैसी बातें आ रही थी कि कई बार इनके बयान बदले, तो उन चीजों में क्या है, क्या क्या कुछ हुआ, टाइम लाइन के हिसाब से बाकायदा एक एक चीज जोड़ी जाएगी, एक एक चीज समझी जाएगी, और इसीलिए शुरुआत है। मेरी नजर में ये जो चारों हैं जो सुशांत के घर के स्टाफ थे और उनका दोस्त, ये इस केस को आखिरी मंजिल तक पहुंचाने में सबसे अहम इनकी गवाही हो। बिल्कुल, और आप बने रहिए वहां पर ही, देखिए जहां आप मौजूद हैं शम्स,
ये बांद्रा है, ये पॉश इलाका है, कई सारे और भी फिल्म स्टार्स यहीं पर रहते हैं आसपास। उनके अड़ोस पड़ोस में कौन कुछ रहता है, अगर किस बारे में भी कोई जानकारी आप इकट्ठा कर पाए, कई और फिल्म स्टार्स वहां पर रहते हैं। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं, ईडी उनकी बहन से भी पूछताछ कर उनका बयान दर्ज कर रही है। बहन वहां पर पहुंची, ये भी अगर उन चार लोगों को आप देखें जिसमें नीरज है, सिद्धार्थ पिठानी है, दीपेश सावंत है, ये तमाम लोग हैं, तो दूसरी तरफ बहन भी वहां पर पहुंची थी और ये कहा गया कि उनकी बॉडी को बहन के पहुंचने के 10 मिनट पहले उतार लिया गया था। नीरज जी, नीरज सिंह जी, चलिए आपको हम उनसे बातचीत भी कराएंगे। इस बीच आपको बताते हैं नीरज ने उस रोज क्या देखा था, उस रोज सुशांत के फ्लैट में कौन कौन से लोग थे। 14 जून की घटना को लेकर आज तक ने नीरज से विस्तार में बात की थी। 14 जून की कहानी जो नीरज की जुबानी है आज तक के पास, पहले वो सुनिए। अभी तो 3 घंटे से पूछताछ अब सीबीआई कर ही रही है। 14 तारीख को ये जो हादसा हुआ तो उसके पहले क्या हुआ वो हम नीरज आपसे जानना चाहते हैं कि 13 तारीख को क्या हुआ। 13 तारीख को कुछ नहीं हुआ, 13 या 12 तारीख को शायद मैम चली गई थी, तो मैम सबको म्यू बोल के गई थी ध्यान रखना, बाकी सर के दिमाग में पता नहीं क्या था, हमें भी नहीं पता। फिर हमारा काम क्या है, सर को खाना पीना पूछना है टाइम टू टाइम, क्या चाहिए सर क्या नहीं चाहिए, वो हमारा फर्ज है। लेकिन बाकी हम और चीज़ नहीं पूछते कि सर किस तरह की प्रॉब्लम है, ये चीज़ हम सर से कभी बात नहीं करते है ना। तो हमने सर से खाने पीने के लिए पूछा, जो शेफ ने उनसे पूछा सर आपने कुछ खाया भी नहीं तो खाने के लिए क्या किया जाए, 13 तारीख की बात है। तो उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं मैंगो शेक खाना, तो मैं मैंगो आम नहीं थे तो मैं फटाफट गया मार्केट में आम मैंगो लेके उन्हें मैंगो शेक बना के दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं गुड नाइट सोने जा रहा हूँ। ओके, तो सर 13 तारीख को सो गए थे, तो 14 को मॉर्निंग को 14 जून को वो 6 बजे उठे थे। उस दिन मेरा टाइम क्या था, मैं 7 बजे उठता था, फिर आधा घंटे मैं डोगी को वॉक करा के लेके आता था। तो 6 बजे उठे थे, थोड़ा उन्होंने शायद थोड़ा वॉक वॉक किया होगा इधर उधर जैसा भी, तो फिर वो आए 8 बजे के आसपास। तो मैं उनके गेट से सफाई कर रहा था, तो सर बाहर निकले जैसे गेट से, बिल्कुल हैप्पी मूड ठीक था, इतना भी वो नहीं था, थोड़ा मतलब इतना भी सीरियस नहीं थे, इतना भी खुश नहीं थे, ठीक ठाक माइंड में। हाँ, तो सर ने मेरे को बोला नीरज मुझे ठंडा पानी ला के दो। मैंने कहा ओके सर, मैं फटाफट भागता हुआ गया, मैं ठंडा पानी लेके आया, ठंडा पानी उनको दिया। देने के बाद सर ने पानी पिया तो जस्ट मुझे गिलास दिया, तो देने के बाद बोला सब ठीक है ना मामला नीचे। मैंने कहा हाँ सर सब कुछ ठीक है। ओके, हल्का फेस में स्माइल दिया, तो उसके बाद वो रूम पे चले गए। उसके बाद मेरा काम मैं नहाने धोने जो है सफाई पे करने चला गया। फिर उसके बाद 10 साढ़े 10 बजे के आसपास जो है ब्रेकफास्ट के लिए जो है खाना बनाने वाले सब वो पूछने के लिए चले गए कि ब्रेकफास्ट और क्या लोगे आप। तो सर ने बोला मैं थोड़ा नहीं नारियल का जूस लूँगा, नारियल पानी पानी लूँगा और थोड़ा ऑरेंज वरेंज जो भी जैसा रहेगा वो मुझे जूस दे दो और साथ में थोड़ा बनाना देना बोला। तो वो जो सेफ है वो तीनों लेके गए ट्रे में। तो सर ने गिलास जूस और जो है ट्रे नहीं लिया, उन्होंने जूस लिया हाथ में और नारियल पानी लिया, बोला मैं केले बाद में लूँगा, बस ये लेके वो अंदर चले गए। वो जाने के बाद उन्होंने लॉक कर दिया। करने के बाद हम उसका हमें पता है अभी ब्रेकफास्ट में अभी ये ले लिया, अभी 1 घंटे तक 1.5 घंटे तक अभी कुछ नहीं लेंगे, वो सभी जानते हैं ठीक है। फिर उसके बाद हमने उन्हें मतलब 1.5-2 घंटे तक हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करा, हम अपने काम पे लग गए। सर ने जैसे लिया फिर हम फ्री हो गए, फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, जैसे उसमें नहा धो के एकदम फ्रेश हो गए। फिर किचन सब ने बोला एक बार और मैं खाने के लिए पूछ लेता हूँ दिन का क्या प्रोग्राम है, वैसे तो लग रहा है खाएंगे नहीं फिर भी पूछ लेते हैं। तो वो गए पूछने के लिए तो लॉक लगा हुआ था, तो उन्होंने जैसे उस तरीके से खटका जिस तरीके से वो सो रहे हैं, तो हल्का खटखटाया, तो वो खटखटाते ही अगर मैम होती तो खटखटाते हम खोलते नहीं है, सिर्फ सर होते तो खटखटाने के बाद हम वो खोलते हैं, हाँ क्योंकि सर ही रहते हैं। तो उन्होंने खटखटाने के बाद जैसे खोला, अंदर खोलने के बाद तो लॉक लगा हुआ था अंदर से, तो जैसे लॉक लगा था तो उन्होंने सोचा कि सो रहे हैं वो, तो नीचे आए तो मैंने पूछा क्या फाड़ने का क्या प्रोग्राम कुछ पूछा, कह रहे वो अभी मौक लगा हुआ है। तो हमने कहा तो सो रहे होंगे अभी, डिस्टर्ब करने से कोई फ़ायदा नहीं है ठीक है। तो हम अपने काम पे लग गए। फिर 15-20 मिनट बाद फिर मेरा भी ऊपर का ही राउंड बनना था, तो मैं भी एक हिसाब से जिस हिसाब से सो रहे तो मैंने खटखटाया हल्का आराम से खटखटाया, तब भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैंने एक बार खोल के देखा फिर भी अंदर से लॉक लगा हुआ था, हमें लगा सर सो रहे होंगे थोड़ा सा थके से, उनको अपने को ऐसा महसूस कर रहे जैसे थके, तो थोड़ा उस टाइम उनकी तबीयत सही सी नहीं थी, उनको खा
क्या पता उनके मन में क्या थी, अकेला महसूस कर रहे थे या किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा था या उन्हें पता नहीं किस चीज़ की बातें सता रही थी, उस चीज़ की हमें पता नहीं था। वहाँ में इतना दिख रहा था सर, कुछ थोड़े से टेंशन में लग रहे हैं।